Hello everyone, I am back with the 13th lecture of the chapter The Enemy from your book Vistas. Students, in the previous lecture we have already discussed that Sadao is planning the murder of the prisoner Tom with the general, and now the general is about to send two assassins to his house to kill the prisoner. We also saw that Sadao was waiting night after night for the assassins to come and kill the prisoner, but it did not happen. Aisa nahi hota hai. And we also saw that one night it was raining too much and Sadao hears a sound and Hannah also wakes up. Hannah bhi uth jati hai and the baby also starts crying. Jo bachcha hai wo bhi rona shuru kar deta hai. हैना उठती है और देखने के लिए जाना चाहती है कि व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज शी हर्ड अ वियर्ड नॉइज, बट सदाओ स्टॉप्स हर, वो उसको रोक देता है. एंड नाउ हैना को शक हो रहा है. हैना डाउट्स एंड शी हैज़ सम डाउट दैट सदाओ हैज़ प्लान्ड समथिंग एंड विच डज नॉट इंक्लूड हर. उसने कुछ तो प्लान किया है सदाओ ने, जिसमें हैना को उसने कुछ भी नहीं बताया है. His terror infected her and she stood breathless waiting. वो जब उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको जाने से रोक देता है तो हैना को शक हो जाता है कि कुछ तो हुआ है. और उसके चेहरे पे जो डर था सदाओ के चेहरे पे, वो हैना के जहन में घुस जाता है और हैना breathless हो जाती है. दो मिनट के लिए वहाँ पे वो बुद्ध बन के खड़ी हो जाती है. There were only silence. Together they crept back into the bed, the baby between them. और वहाँ पे पूरा सन्नाटा छा जाता है क्योंकि हैना समझ जाती है कि कुछ हो रहा है बाहर, और वो ये भी समझ जाती है कि सदाओ ने कुछ करवाया है. तो इसीलिए दोनों वापस बेड पे चले जाते हैं और बेबी जो है वो उनके बीच में रख लेते हैं बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए. येट व्हेन ही ओपन द डोर ऑफ द गेस्ट रूम इन द मॉर्निंग देयर वॉज द यंग मैन. अगली सुबह फिर होती है, वो लोग की तो रात भर हालत ख़राब है कि कुछ हुआ जो वो लोग प्लान किए थे, हो सकता है वो हो गया है. तो दोनों दरवाजे को जब खोलते हैं तो देखते हैं कि फिर से अमेरिकन वहीं सोया हुआ है. मतलब उस रात को भी कुछ नहीं हुआ तो वो फिर आवाज़ें क्या थी, क्या हो रहा था वहाँ पे, क्या चल रहा था. ही वॉज वेरी गे एंड हैड ऑलरेडी वॉच्ड एंड नाउ वॉज ऑन हिज फीट. वो बड़ा खुश था. ही वॉज वेरी गे मीन्स हैप्पी. बड़ा खुश था वो और ऑलरेडी उसने वो नहा चुका था. ही वॉज वॉच्ड, अच्छे से उसने अपने आप की सफाई कर ली थी और वो अपने पैरों पर भी खड़ा हो चुका था. He had asked for a razor yesterday and he had shaved himself. उसने एक दिन पहले सदाओ से एक रेज़र मांगा था और उसने अपने आप को अच्छे से बहुत ही क्लीन कर लिया है, शेव कर लिया है. And today there was a faint color in his cheek. और आज उसके चेहरे पे थोड़ी सी रौनक नज़र आ रही है, faint color. ठीक है, ऐसा जो बिल्कुल ही चेहरे का रंग जब उड़ जाता है तो जैसा पेल था उसका चेहरा, वैसा नहीं आज उसके चेहरे पे हल्का, क्योंकि दाढ़ी हट गई है तो उसके चेहरे पर से वो ब्लॉन्ड लुक चला गया है और अभी उसके चेहरे पे हल्की सी रौनक है. आई एम वेल, ही सेड जॉयसली. बड़ा खुश है वो और कहता है कि, खुशी के साथ कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चंगा हूँ मैं. सदाओ ड्रू हिज किमोनो राउंड हिज वियरी बॉडी. ही वुड नॉट, ही डिसाइडेड सडनली, गो थ्रू अनदर नाइट. सदाओ अपना किमोनो निकालता है और उसके बॉडी पे उसका जो बॉडी था, राउंड हिज वियरी बॉडी मतलब थक गया है वो, और सदाओ किमोनो पहना हुआ था वो हटाता है उसको. ही कुड नॉट, ही डिसाइडेड सडनली, वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा. यहाँ वो किसकी बात कर रहा है, क्योंकि वो लड़का इतना खुश है, वो अपने आप को अब लाइवली फील कर रहा है. और सदाओ अपने कमरे में, सदाओ मतलब जापानीज़ होते हैं वो लोग किमोनो हमेशा पहने रहते हैं, तो वो किमोनो पहन करके और फ्रस्ट्रेटिंगली बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाता है. फ्रस्ट्रेट होकर के अपना किमोनो उतारते हुए कहता है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, गो थ्रू अनदर नाइट, एक और रात में नहीं गुजार सकता यहाँ पे. इट वॉज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैनस लाइफ, नो, सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन. अब तीन रात उसने ऑलरेडी इस डर में गुजारा है कि, तीन से चार रात उसने ऑलरेडी इस डर में गुजार दिया कि आज शायद उसको मार देंगे वो लोग, आज शायद उसको मार देंगे. और सिर्फ ये सोचना कि वो मर गया नहीं, उनके घर में ये चीज़ हो गया, उसने अंजाम दिया, ये थॉट बहुत स्ट्रेनिंग था. ये बात उनको निचोड़ रही थी, बहुत तकलीफ़ दे रही थी. ठीक है, तो इसीलिए बोलता है कि नहीं हम कर ही नहीं पाएंगे, मेरे से ये होगा ही नहीं कि मैं अपने जानकारी में होने के, अपने नॉलेज में होने के बाद भी उसको मरने दे रहा हूँ, ये मेरे से नहीं हो पाएगा. तो इसीलिए वो कहता है कि
और ऐसा नहीं था कि वो उस यंग आदमी का बहुत केयर कर रहा था या उससे उसको सिंपथी हो गई थी या बहुत लगाव हो गया था, नहीं, वो ऐसा इसलिए नहीं करना चाहता था कि वो एक ह्यूमन था, किसी भी ह्यूमन के साथ वो ऐसा नहीं कर सकता था. नो, सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन. मतलब उसके वो जिस सिचुएशन से गुजर रहा था और जैसी उसकी हालत थी, इसका कोई मतलब नहीं था, ये करने का या ऐसे होने का कोई मतलब नहीं था, इतना स्ट्रेस लेना उसके लिए अच्छा भी नहीं था. यू आर वेल, सदाव अग्रीड. सदाव कहता है तुम ठीक हो गए हो. ही लोअर्ड हिज वॉइस, और अपनी आवाज़, वो ये सारी बातें सदाव सोच रहा है, ठीक है, बोला नहीं है, और अब वो बात करता है, वो कहता है यू आर वेल, तुम ठीक हो. ही लोअर्ड हिज वॉइस, वो अपनी आवाज़ को थोड़ा नीचे कर लेता है. यू आर सो वेल दैट आई थिंक इफ़ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टुनाइट with food and extra clothing in it, you might be able to row to that little island not far from the coast. अब सदाव के दिमाग में एक बात आई अचानक, और सदाव डिसाइड कर लेता है कि नहीं, इसको मरने नहीं देंगे हम, जो हो जाए अब ये मरेगा नहीं. तो सदाव जाता है, सॉरी, सदाव उससे कहता है कि हाँ तुम ठीक हो, तुम चंगे हो गए हो, भले हो गए हो, वेल हो तुम, अच्छा अगर मैं मेरी एक बोट तैयार कर दूँ और उसको समंदर के किनारे छोड़ दूँ और उसमें ढेर सारा खाना रख दूँ, तो क्या तुम जो उस पार एक आइलैंड है वहाँ जा चले जाओगे? मतलब तुम इतने चंगे हो गए हो कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम वो बोट को रो करके, चप्पू चला करके तुम वहाँ तक जा सकते हो. तो इतनी अब इतना वो वेल दिखाई दे रहा है, यानी कि इतना फिट हो गया है वो कि इतना वो कर सकता है अपने लिए. और याद करो, ये वही आइलैंड है जिसको दूर से दिखा करके सदाव के फादर बोला करते थे कि ये जापान का फ्यूचर है, ठीक है. तो आज जो आइलैंड जिसके बारे में, जहाँ जो बचपन से सदाव देखता आ रहा है, जिसके बारे में उसके फादर उसको इतना बताते थे, जिससे उसको बहुत बड़ी सीख मिली है, उसको देख करके आज अचानक से वो थॉट उसके दिमाग में आया और वो कहता है कि अगर मैं एक बोट तैयार कर दूँ जिसमें खाना रख दूँ और एक्स्ट्रा क्लोथिंग रख दूँ, कपड़े रख दूँ, तो तुम उस वो आइलैंड, वो कोस्ट, उस किनारे पे चले जाओगे, वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आराम से वहाँ पे तुम रह सकते हो. इट इज़ सो नियर दैट द कोस्ट दैट इट हैज़ नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग. और वो जो समंदर था, सॉरी, जो जो आइलैंड था, जो टापू था, वो इतना ज़्यादा नज़दीक था, इतना ज़्यादा नज़दीक था कि ऐसा उसको आज तक कभी तोड़ा नहीं गया था, या उसको कभी वहाँ तक लोग उसको किसी पर्पस से वहाँ जाना या ऐसा कुछ करने का कभी कुछ सोचे नहीं थे, ठीक है. लोग होता ना कि कोई चीज़ बहुत दूर होती है तो वहाँ जाकर के क्यूरियोसिटी होती है कि वहाँ क्या होगा नहीं होगा. तो इट वॉज सो नियर द कोस्ट, वो तट से इतना नज़दीक था दैट इट हैज़ नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग. फोर्टिफाइंग का मतलब दृढ़, कि कभी कोई वहां पे जाने का निश्चय नहीं किया, कभी कोई वहां जाने का सोचा नहीं कि वहां जाना चाहिए या कुछ करना चाहिए वहां पे जाकर के. लोग भले ही बोलते थे कि ये जापान का फ्यूचर है, सदाव के फादर भले ही बोलते थे कि ये जापान का फ्यूचर है, लेकिन जापानीज़ ने कभी ऐसा सोचा नहीं कि वहाँ जा कर के कुछ किया जाए या वहाँ पे कभी ऐसा निश्चय नहीं किया, ठीक है. नाउ नोबडी लिव्स ऑन इट बट इट बट इन स्टॉर्म इट इज़ सबमर्ज्ड. हाँ, अभी तक तो बहुत मज़बूत था वो आइलैंड, लेकिन जब तूफान आता था तो वो डूब जाता था. बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं था वो, वहाँ कोई रहता भी नहीं था, नोबडी लिव्स ऑन इट, कोई कभी वहाँ पे रहा भी नहीं है, लेकिन जब तूफान आता था, जब समंदर में पानी भर जाता था, तो वो डूब भी जाता था. दिक्कत ये थी, ठीक है. यू कुड लिव देयर अंटिल यू सॉ अ कोरियन फिशिंग बोट पास बाय. तो सदा उसको कहता है तुम वहाँ पे रह सकते हो, तब तक रहना जब तक तुम वहाँ से किसी कोरियन बोट को मछली पकड़ते हुए ना देखो, वहाँ से गुजरते हुए ना देखो, तब तक तुम वहाँ रह सकते हो. ऐसा नहीं कि एक दो दिन में तूफान आएगा और पूरा टापू डूब जाएगा. दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड बिकॉज द वाटर इज मैनी फैदम डीप देयर. और गहरे पानी में बहुत ज़्यादा मछलियाँ रहती हैं, अच्छी खासी मछलियाँ रहती हैं, अलग अलग टाइप की मछलियाँ रहती हैं. तो वो कहता है कि वहाँ पे, वहाँ से जो
जो नाव गुजरती है, जो कोरियन फिशिंग नाव वहाँ से गुजरती है, तो वो लोग ज़रूर वहाँ पे रुकते हैं। बहुत आइलैंड के बहुत ज़्यादा नज़दीक से गुजरते हैं वो लोग, क्योंकि वहाँ पे जो पानी है वो फैदम डीप देयर का, मिनी फैदम डीप देयर का मतलब 1 फैदम के बराबर होता है, कुछ 1.8 मीटर, ठीक है, 1.8 मीटर के बराबर 1 फैदम होता है। तो मिनी फैदम डीप का मतलब वहाँ पे पानी गहरी है, तो वहाँ से लोग मछलियाँ पकड़ते हैं और वहाँ पे जाकर के वहाँ से ज़रूर नाव गुजरती है, तो तुमको कोई ना कोई वहाँ पे ज़रूर मिल जाएगा, खास करके कोरियन नाव तो ज़रूर मिल जाएगी। और कोरियन लोग को इतना मतलब नहीं है कि तुम अमेरिकन हो क्या हो, तुमको वहाँ से वो लोग ले जा सकते हैं, ठीक है, या तुम उनसे कोई मदद मांग सकते हो। द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम स्लोली कॉम्प्रिहेंडिंग, डू आई हैव टू आई आस्क, ही आस्क। और जो यंग मैन है, जो यानी कि टॉम है, वो बड़े गौर से ये सारी बातें सुन रहा है, उसको घूर रहा है, और उसके बाद वो ये सब समझने के बाद पूछता है कि क्या मुझे ऐसा करना पड़ेगा, मतलब क्या मुझे ऐसे करने की ज़रूरत है कि मैं उस टापू पे जाऊं और वहाँ पे कोरियन फिशिंग बोट का इंतज़ार करूं, वो लोग आएँ, मैं उनसे मदद मांगूं, या इतना कुछ मुझे करने की ज़रूरत है। आई थिंक सो, सदाव सेड जेंटली। तो सदाव कहता है कि हाँ, करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड, इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हियर। देखो, इस बात को समझने की कोशिश करो। सदाव कहता है कि सुनो, इस बात को समझने की कोशिश करो, तुम्हें बात समझनी होगी कि ये बात छुपी नहीं हुई है, ज़्यादा दिन तक छुपाई नहीं जा सकती कि तुम यहाँ पे हो। द यंग मैन नॉडेड इन परफेक्ट कॉम्प्रिहेंशन, ओके ही सेड सिंपली। और वो समझ जाता है कि ये लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सर हिलाता है और बड़े अच्छे से समझ जाता है और कहता है ओके। सदाव डिड नॉट सी हिम अगेन अनटिल इवनिंग, और उस दिन पूरे शाम तक सदाव ने उसको नहीं देखा। एज सून एज इट वॉज डार्क, ही हैड ड्रैग्ड द स्टाउट बोट डाउन टू द शोर, एंड इन इट ही पुट फूड एंड बॉटल वाटर दैट ही हैड बॉट सीक्रेटली ड्यूरिंग द डे। अब सदाव जो है वो पूरे शाम तो उसको देखा नहीं, क्योंकि सदाव बिजी था उसके जाने का सामान इकट्ठा करने में। तो जैसे ही शाम हुई, अंधेरा थोड़ा सा हुआ, वो बोट को घसीटते हुए, ड्रैग करते हुए वो शोर तक ले गया, किनारे तक ले गया, और उसी में खाना और बॉयल्ड वाटर उसने रख दिया। और उसने जो बॉयल्ड वाटर था वो बॉटल में अच्छे से ख़रीदा था, बॉटल वाटर उसने ख़रीदा था सीक्रेटली, ढेर सारा बॉटल का वाटर बॉटल, उसने पानी का जो बॉटल आता है वो उसने ख़रीद लिया था ढेर सारा, और सीक्रेटली ख़रीदा था ताकि किसी को कोई शक ना हो। और वो सब रख देता है, ढेर सारा खाना, ढेर सारा पानी वो रख देता है उसके नाव में। एज वेल एज टू क्विल्स ही हैड थॉट एज एट द ही हैज़ बॉट एट द पॉन शॉप, उसने उसमें 2 चादर भी ले रख देता है वो, 2 रज़ाई जैसे पतले पतले कंबल रख देता है वो, ताकि उसको ठंड ना लगे, उसको ज़रूरत पड़े तो। There was no moon and he worked without a flashlight. समंदर ऐसे भी बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है रात में, ठीक है, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। तो सदाओ उस दिन मून भी नहीं निकला था, यानी कि अमावस्या की रात होगी, तो सदाओ जो है वो बिना फ्लैशलाइट के काम कर रहा था ताकि कोई देख ना ले कि समंदर के तट पे कोई हरकत हो रही है, क्योंकि लाइट से लोग अलर्ट हो जाते हैं, स्पेशली रात में आर्मी ज़्यादा अलर्ट रहती है, सोल्जर ज़्यादा अलर्ट रहते हैं। तो अगर कहीं पे समंदर के किनारे फ्लैशलाइट से आप काम वाम कर रहे हो तो लोग इस चीज़ को पकड़ लेते हैं या नोटिस कर लेते हैं। तो वो बिना फ्लैशलाइट के ही इतनी मेहनत करता है, बोट को घसीटता है, वहाँ तक ले जाता है, उस पे खाना रखता है, बॉटल वाटर रखता है, चादर कंबल रख देता है, और सब चीज़ अंधेरे में इसलिए कर रहा था ताकि किसी को शक ना हो। When he came to the house, he entered as though he was just back from his work. वो जैसे ही घर में घुसता है, एकदम नॉर्मली घर में घुसता है, ऐसे लग रहा था जैसे वो काम से अपने वापस आया हो। And so Hannah knew nothing. और हैना को कुछ भी मालूम नहीं था। Yumi was here today. आज Yumi आ चुकी थी यहाँ पे। She said as she served his supper. और हैना बताती है उसको ये बात कि आज Yumi आई है। आज Yumi आई हुई थी, क्योंकि Yumi ने बोला था कि कभी बच्चों के साथ मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिएगा, और ज़रूरत नहीं भी पड़ी होगी तो Yumi जो है वो मिलने आई होगी बच्चों से। दो शी वॉज सो मॉडर्न,
She did not eat with him. Yumi cried over the baby. She went on, was a sigh. She missed him so. अब वो कहती है कि दो शी वॉज़ वेरी मॉडर्न, यूमी बहुत मॉडर्न थी लेकिन वो उन लोग के साथ कभी बैठ के खाना नहीं खाती थी, उन उसका मतलब नौकर मालिक वाला चीज़ कि हम मालिक के साथ बैठ के कैसे खा सकते हैं, तो इसीलिए वो उसके साथ बैठ के खाना नहीं खाई। और यूमी जो है वो बेबी को पकड़ के बहुत रोती है और फिर वो एक गहरी सांस लेती है, शी मिस्ड हिम सो, और वो बोलती है कि बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी बच्चों को इसीलिए वो मिलने के लिए आ गई थी। द सर्वेंट्स विल कम बैक एज सून एज द फॉरेनर इज़ गॉन, सदाव सेड। और सदाव कहता है कि हाँ ठीक है, फॉरेनर्स जो है वो सॉरी जो सर्वेंट्स हैं वो आ जाएंगे, बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। जैसे उन्हें पता चलेगा कि फॉरेनर यहाँ से चला गया है यानी कि टॉम वहाँ से जा चुका है, तो वो लोग वापस ज़रूर आ जाएंगे क्योंकि उनके सर्वेंट्स को उनसे लगाव था और ये बात बहुत जाहिर सी थी। ठीक है, ही वेंट इन टू द गेस्ट रूम दैट नाइट बिफोर ही वेंट टू बेड हिमसेल्फ एंड चेक्ड केयरफुली द अमेरिकन्स टेम्परेचर। वो सदाव सोने से पहले गेस्ट के रूम में जाता है जहाँ पे प्रिजनर रह रहा था, जहाँ अमेरिकन रह रहा था, और बहुत अच्छे से वो जाता है और उसका टेम्परेचर चेक करता है प्रिजनर का, टॉम का टेम्परेचर चेक करता है कि बुखार बुखार तो नहीं है, द स्टेट ऑफ द वुंड, उसके घाव का की दशा देखता है कि वो ठीक है या नहीं, एंड हिज हार्ट एंड पल्स, उसके हार्ट रेट चेक करता है, उसके पल्स रेट को चेक करता है, मतलब वो उसके पूरे बॉडी को एग्जामिन करता है अच्छे तरीके से ताकि कि वो जाने की स्थिति में है या नहीं है। तो सदाव देखो कितना अच्छा ह्यूमन है, कितना केयरिंग है वो। ठीक है, वो पूरी तरीके से वो मेक श्योर कर रहा है कि वो ज़्यादा मेहनत करेगा तो ऐसा तो नहीं है कि वो बीमार हो जाएगा या वो कर पाएगा कि नहीं उतने। देखो भले ही वो तट जो था, दूसरा वाला जो आइलैंड था वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन ये एक पेशेंट है, जब तक ये पूरी तरीके से 110% अच्छा नहीं हो जाता है तब तक ये रिस्क लेने वाली बात हो जाएगी। तो सदाव ये मेक श्योर कर रहा है कि वो पूरी तरीके से ठीक हो गया है या नहीं, तभी वो उसको भेजेगा वहाँ से। द यंग मैन्स पेल लिप वर प्रेस्ड टुगेदर एंड हिज आईज बर्न्ड, द पल्स वॉज इररेगुलर बट दैट वॉज परहैप्स बिकॉज ऑफ एक्साइटमेंट। वो पल्स जब चेक करता है सदाव तो देखता है कि पल्स इररेगुलर है, ऊपर नीचे है, और वो इस वजह से भी हो सकता था क्योंकि उसको डर लग रहा था, घबराया हुआ था, एक्साइटेड था वो कि उसको यहाँ से अकेले जाना है, अभी वो रात में बाहर निकलेगा, हो सकता है फिर उसको कोई पकड़ ले या कोई देख ले, वो पकड़ा जाए या कुछ भी हो सकता था, तो अलग घबराहट हो रही थी उसको, इसीलिए उसका पल्स इररेगुलर था। और जो यंग मैन था वो उसके लिप्स उसने प्रेस करके रखे हुए थे यानी कि बहुत घबराया हुआ था, उसकी आँखें जल रही थी। ओनली द स्कार ऑन हिज नेक वॉज रेड, बाकी सब ठीक हो गया था लेकिन सिर्फ उसके जो गले में जो स्कार था, जो दाग था, निशान था, बस वो रेड था, बाकी सब ठीक हो चुका था। आई रियलाइज यू आर सेविंग माई लाइफ अगेन, ही टोल्ड सदाव। और टॉम सदाव को कहता है कि मुझे ऐसा एहसास हो रहा है, महसूस हो रहा है कि आप मेरी ज़िंदगी दोबारा बचा रहे हो, क्योंकि वो बहुत घबराया हुआ है और जब सदाव उसको पूरी तरीके से एग्जामिन कर रहा है तो उसको अच्छा लग रहा है, उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई है जो मुझे फिर से मुझे काम कर रहा है, मुझे धैर्य दे रहा है, मुझे ऐसा संतावना दे रहा है कि वो मैं मतलब ठीक रहो, तुम ठीक से जाओ या तुम जाने के लिए ठीक हो, इस तरीके की बातें। नॉट एट ऑल, सदाव सेड, इट इज़ ओनली इनकन्वीनियंट टू हैव यू हियर एनी लॉन्गर। तो सदाव बिल्कुल रूडली बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बचा रहा हूँ कुछ भी, बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि मुझे अब बहुत ज़्यादा परेशानी हो चुकी है तुम्हारी वजह से। इट इज़ ओनली इनकन्वीनियंट, तुम्हारे यहाँ रहने से मुझे सिर्फ परेशानियाँ हुई हैं, असुविधाएँ हुई हैं, इनकन्वीनियंट। तुम्हारे यहाँ रहने से हमें सिर्फ परेशानियाँ ही हुई हैं और अब नहीं, अब तुम जाओ, अब ज़्यादा असुविधा देने की ज़रूरत नहीं है हम लोग को, तुम यहाँ से चले जाओ। He had hesitated a good deal about giving the man a flashlight. अब सदा उसको एक flashlight दे रहा होता है तब उसको थोड़ी सी घबराहट हो रही होती है, थोड़ा सा वो hesitate कर रहा है दें कि नहीं दें, क्योंकि flashlight का मतलब है light जलना, light जलने का मतलब है दूसरे का attention खींचना, उतने अंधेरे में अगर एक जो light जल रहा है मतलब कोई रात में कोई घुसपैठ है, कोई दुश्मन है, कोई तो इन्वेडर है जो कि घुसने की कोशिश कर रहा है, या समंदर के रास्ते से कोई दुश्मन आ रहा है, इस तरीके का के चांसेस होते हैं, या इस तरीके का लोग सोल्जर्स के दिमाग में अटेंशन होता है, वो लोग इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं, ऐसा होता है।
बट ही हैड डिसाइडेड टू गिव हिम टू हिम आफ्टर ऑल. तो पहले तो सोचता है दे नहीं दे नहीं दे, लेकिन आखिरकार वो उसको फ्लैश लाइट दे ही देता है. इट वॉज अ स्मॉल वन हिज ओन विच ही यूज एट नाइट वेन ही वॉज कॉल्ड. और ये उसी का फ्लैश लाइट था, सदाव का ही फ्लैश लाइट था, एकदम छोटा सा फ्लैश लाइट वो उसको देता है. और जनरली वो उसको यूज़ किया करता था जब उसको बुलावा आता था, वो उसको जनरल के वहाँ जाना होता था या इधर उधर कहीं बुलाया जाता था, तो वो उस फ्लैश लाइट को यूज़ किया करता था. तो अपना वाला ही फ्लैश लाइट क्या करता है, वो उसको दे देता है कि ज़रूरत पड़ेगी इतने अंधेरे में वो काम नहीं कर पाएगा या कुछ ढूंढना होगा. तो इफ़ योर फूड रन्स आउट बिफोर यू कैच अ बोट, He said, signal me two flashes at the same instant the sun drops over the horizon. अब यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, ये उसको सिखा रहा है कि देखो अगर तुमको करना क्या है, प्लान ये है कि तुम उस आइलैंड पे टापू पे चले गए, वहाँ पहुँचने के बाद तुमको कोरियन बोट का वेट करना है. कोरियन बोट वहाँ मछलियाँ पकड़ने आती हैं, मछलियाँ पकड़ती हैं, तुम वहाँ से मदद मांग करके वहाँ से जा सकते हो कहीं भी. अगर कोरियन बोट आने से पहले ही तुम्हारा खाना ख़त्म हो गया तो तुम क्या करोगे, शाम ढलते ही जैसे सूरज होराइज़न के पास होगा, यानी कि एक ऐसा टाइम आता है ना जब इसको होराइज़न कहते हैं, जैसे जब शाम आती है तो यहाँ पे सूरज होता है और यहाँ पे एकदम ज़मीन और आसमान बराबर लगता है, एक लाइन में लगता है कि ज़मीन और आसमान एक लाइन में आ गया, उसको होराइज़न बोला जाता है. तो कहता है जैसे ही सूरज होराइज़न में डूबे, एकदम हल्के हल्का अंधेरा हो रहा हो, वैसे ही तुम क्या करोगे, मुझे सिग्नल करोगे, सिग्नल देना दो फ्लैश लाइट का सिग्नल, ठीक है. और याद रखना कब, जब जैसे ही सूरज होराइज़न के पास पहुंचेगा, तब पहुंचेगा कहने का मतलब डूब रहा होगा तब. डू नॉट सिग्नल इन डार्कनेस, कभी भी अंधेरे में सिग्नल मत करना, कभी भी नहीं. अंधेरे में सिग्नल का मतलब कि कोई कुछ, कोई दुश्मन है वो किसी तरीके का इशारा कर रहा है, ठीक है. तो इसीलिए कभी भी अंधेरे में सिग्नल मत करना. और ये जो टाइम होगा, इस टाइम क्या होता है, बहुत अंधेरा भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं होता है, तो ये एक ऐसा समय है जिस टाइम पे तुम दो फ्लैश करोगे तो नज़र आ जाएगा. फॉर इट विल बी सीन, क्योंकि रात में तुम अगर करते हो, फ्लैश लाइट जलाते हो, तो फिर वो दिखाई दे देगा और नोटिस कर लिया जाएगा. इफ़ यू यू आर ऑल राइट बट स्टिल देयर, सिग्नल मी वंस. और अगर तुम वहाँ पर गए हो, तुम ठीक हो और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और अभी तक भी वहीं हो, तो मुझे एक सिग्नल करना, मतलब बोट नहीं मिली है लेकिन तुम हर तरीके से ठीक हो, तो मुझे एक सिग्नल करना. और अगर खाने की ज़रूरत पड़ेगी, खाना ख़त्म हो गया होगा, तब दो सिग्नल करना. यू विल फाइंड फ्रेश फिश ईजी टू कैच बट यू मस्ट ईट देम रॉ. तुमको आसानी से वहाँ पर मछलियाँ मिल जाएंगी, तुम उनको पकड़ सकते हो आसानी से. और लेकिन हाँ, याद रखना कि उनको कच्चा खाना, उन मछलियों को कच्चा ही खाना. अ फायर वुड बी सीन, क्योंकि तुम आग जलाओगे उनको पकाने के लिए, वो भी नज़र आ जाएगा. इसलिए आग मत जलाना, याद रखना कि उन मछलियों को तुम्हें कच्चा खाना होगा. ओके द यंग मैन ब्रेथ. और इतना सब कुछ सुन करके ये तो नोट हो गया ना कि हाँ ये करना ये नहीं करना, डूज एंड डोंट्स ये करना है चाहिए, तुमको ये नहीं करना चाहिए. तो ये सुन करके वो यंग मैन जो है वो गहरी सांस लेता है, आहें भरता है. He was dressed now in the Japanese clothes which Sadao had given him, and at the last moment Sadao wrapped a black cloth about his blonde head. और अब आखिरकार वो सदाव उसको अपना ड्रेस दे देता है, वो उसको पहन लेता है जापानीज ड्रेस, ताकि लोगों को डाउट ना हो. वो एक जापानीज कपड़ा पहन लेता है और सदाव ने वो कपड़ा उसको दिया था, और उसका जो सर है वो उसको ब्लैक कलर के कपड़े से रैप कर देता है, बांध देता है, ताकि उसके ब्लॉन्ड हेड को कोई देख ना पाए, सुनहरे रंग को कोई देख ना पाए. उसके सुनहरे बाल साफ साफ दर्शा देते हैं कि वो एक अमेरिकन है. तो और जापानीज के बाल बहुत घने और गहरे काले रंग के होते हैं, ठीक है. तो इसीलिए वो ये बात साफ साफ दर्शाता है कि ब्लॉन्ड है, कि तुम एक अमेरिकन हो. इसीलिए वो उसके बाल सर को क्या करता है, ब्लैक कलर के कपड़े से बांध देता है, ताकि लोगों को दिखाई ही ना दे. नाउ सदाव सेड, लो हो गया. द यंग अमेरिकन विदाउट अ वर्ड शुक सदाव्स हैंड फॉर्मली एंड देन वॉक्ड क्वाइट वेल अक्रॉस द फ्लोर एंड डाउन द स्टेप इन टू द डार्कनेस ऑफ द गार्डन. शाम हो गई है, दिन ढल गया है, पूरी तैयारी हो चुकी है जाने की, अब रुकने का कोई मतलब नहीं है. सारी चीज़ें तैयारी हो गई, ड्रेस हो गया,
फ्लैशलाइट दे दिया, टेम्परेचर चेक कर लिया, बॉडी का घाव को एग्जामिन कर लिया, खाना रख दिया, पानी रख दिया, बोट तैयार है, तो यानी कि अब पूरी तरीके से वो जाने के लिए रेडी है। तो अब जो यंग मैन है उससे हाथ मिलाता है और बिना किसी वर्ड के, कुछ बोले बिना, बस बहुत एक वार्म हैंडशेक करता है, हाथ मिलाता है दोनों एक दूसरे से, एंड वॉक्ड क्वाइट वेल अक्रॉस द फ्लोर एंड डाउन द स्टेप्स इनटू द डार्कनेस ऑफ द गार्डन। और बड़े प्यार से वो चलता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरता है और गार्डन में अंधेरे में खो जाता है। वंस ट्वाइस सदाओ सॉ दिस हिज फ्लैश लाइट टू फाइंड हिज वे। सदाओ वंस ट्वाइस सदाओ सॉ हिज फ्लैश, अच्छा वो अपने हाथ में फ्लैश लाइट को लिया हुआ रहता है और वो दिखाता है सदाओ की तरफ, क्योंकि वो एक बार और दो बार जलाने के लिए बोला है, एक बार जलाने के लिए तब बोला है जब कि तुम ठीक हो, दो बार जलाने के लिए जब खाने की ज़रूरत है, तो वो प्रैक्टिस कर रहा है और कह रहा है वंस ट्वाइस, इस तरीके से वो फ्लैश लाइट को जला रहा है और अपने जाते हुए रास्ते में वो फ्लैश लाइट को इसी तरीके से दिखाता हुआ जाता है। बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, ही वेटेड अनटिल फ्रॉम द शोर ही वॉज वन मोर फ्लैश। अब देखो, बट दैट वुड नॉट बी सस्पेक्टेड, क्योंकि अभी वो फ्लैश लाइट जला रहा है तो अंधेरा है, लेकिन वो सस्पेक्ट नहीं किया जाएगा, यानी उस पर किसी को शक नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो शोर पे अभी तक गया नहीं, अभी शोर पर जाने वाला है, और शोर पर जाकर के देयर वॉज वन मोर फ्लैश, वहाँ पे समंदर के किनारे के पास एक और फ्लैश लाइट जल रहा होता है। देन ही क्लोज द पार्टीशन द नाइट ही स्लेप्ट, और वो सदाओ पार्टीशन को बंद कर देता है और चैन से सो जाता है। द नाइट ही स्लेप्ट यू से द मैन एस्केप द जनरल आस्क्ड फेंटली। और अगले दिन अब सदाओ और जनरल मिले हैं और एक दूसरे से उनकी बातें हो रही है। तो सदाओ ने क्या, सदाओ ये नहीं बोल सकता है किसी को भी कि मैंने उसको मदद की है जाने में, ठीक है, या उसको मैंने बोट दे दिया, खाना दे दिया, ये दे दिया, आइलैंड पे भेज दिया, ये सारी बातें वो किसी को बता नहीं सकता है। इसीलिए सदाओ ने क्या अफवाह फैलाई है कि वो प्रिजनर भाग गया वहाँ से। तो जनरल को, ये जनरल से मिलने गया है और जनरल को ये बात बताता है कि क्या प्रिजनर भाग गया वहाँ से। ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन अ वीक बिफोर एन इमरजेंसी ऑपरेशन टू विच सदाओ हैड बीन कॉल्ड इन द नाइट। और आज एक इमरजेंसी ऑपरेशन करने के लिए सदाओ को जनरल के घर बुलाया गया है और अभी उसको एक वीक पहले ऑपरेशन करना ही पड़ा था। ही हैड बीन ऑपरेटेड अपॉन अ वीक बिफोर, जस्ट एक हफ्ते पहले, यानी कि काफ़ी दिन बीत गए हैं इस इंसिडेंट को हुए हुए, ठीक है। तो यानी कि वो चला गया है प्रिजनर वहाँ से और काफ़ी दिन बीत गए हैं, एक हफ्ते पहले जनरल ने सदाओ ने जनरल का एक ऑपरेशन किया है और अब वो ठीक हो गया है। एक इमरजेंसी ऑपरेशन किया था जिसमें अब वो ठीक हो गया और बोल चाल रहा है, उसी में ये पूछता है वो उससे, और ये सारा सिचुएशन सदाओ बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है और ये सिचुएशन क्रिएट कर दी है उसने कि सबको ये लग रहा है कि प्रिजनर वहाँ से भाग गया, प्रिजनर की इतनी मदद की और देखो प्रिजनर भाग गया वहाँ से। तो अब ये बात तो किसी के, जनरल तो बताएगा नहीं किसी को, क्योंकि जनरल नहीं चाहता है कि तो सदाओ ने बहुत अच्छे से प्लान किया और हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया, ना किसी की मर्डर करने की ज़रूरत पड़ी, ना किसी को किसी यहाँ पे वो गद्दारी भी नहीं कर रहा है और अपना ह्यूमैनिटी को भी वो बरकरार रखा। और वो एक बहुत परफेक्ट प्लान जनरल को बताया कि वो वहाँ से भाग गया, क्योंकि इससे क्या होगा कि वो उसको हैंड ओवर भी नहीं करना पड़ेगा, जनरल उसको ये भी नहीं बोलेंगे कि प्रिजनर को हम मारने के लिए किसी को भेज देते हैं वगैरह वगैरह, या उसको, क्योंकि जनरल को भी ऐसा लगता है कि उसको मरना ज़रूरी है क्योंकि वो एनिमी है, लेकिन सदाओ को नहीं मारना है, सदाओ नहीं मारेगा और ना ही सदाओ उसको ले जा कर के पुलिस के हवाले करेगा। तो ये सारा सिचुएशन जो है वो सदाओ ने बहुत अच्छे से हैंडल किया है और प्रिजनर को वहाँ से भगा भी दिया, फ्लैश लाइट भी दे दिया, सब कुछ कर दिया और वो वहाँ से चला भी गया, एक मासूम सा आदमी लड़का, उसकी जान भी बच गई, उसको जापानीज गवर्नमेंट के हवाले भी नहीं करना पड़ा। तो एक बहुत ही अच्छा सा यू कैन से ये प्लान, जो इतने दिनों से ये लोग समझ नहीं पा रहे थे, कर नहीं पा रहे थे, ये एक बहुत अच्छा सा प्लान एग्जीक्यूट सदाओ ने फाइनली कर लिया, जिसको लेकर के इतने डायलमा में थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। फॉर 12 आवर्स सदाओ हैड नॉट बीन श्योर द जनरल वुड लिव। अब एक हफ्ते पहले जो ये ऑपरेशन हुआ था जिसमें सदाओ को इमरजेंसी के लिए बुलाया गया था जनरल को ऑपरेशन करने के लिए, तो सिचुएशन ऐसी थी कि लग नहीं रहा था कि 12 घंटे तक कंडीशन इतना क्रिटिकल था कि लग नहीं रहा था कि जनरल अब जिंदा रहेंगे, ठीक है। द गॉल ब्लैडर वॉज मच इन्वॉल्व,
उसमें कुछ गॉल ब्लैडर में उनके कुछ परेशानी हो गई थी। और अब ये जो सिचुएशन है, क्योंकि सिर्फ जनरल को मालूम है ये बात कि उनके घर में एक प्रिजनर था, अमेरिकन प्रिजनर, तो अब उनको कुछ हो भी जाता है तो ये बात इनके साथ ही चली जाएगी। लेकिन स्टिल वो अपने, ही इज़ अ डॉक्टर, और वो जितनी ईमानदारी से उसने उनका इलाज, उसका इलाज किया, प्रिजनर का इलाज किया, उतनी ईमानदारी से वो इनका भी, जनरल का भी इलाज कर रहा है और हमेशा से करता आया है। एंड देर इज़ नॉट मच लेफ्ट इन द चैप्टर, बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है, और वी विल सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।